ये बापेश्वर महादेव करीब 500 वर्ष पुराना है। हाँ महादेव, खरा भाव थी जे कोई माणस जे सेवा करे छे इतले आ जरूर अहीं आगळी फर आपे छे। के एकादश रुद्रों की मूर्ति यहाँ पर है, एकादश रुद्रों की मूर्ति कोई जगह नहीं है। वंदे देव उमापतिं सुर गुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं रघुधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाय नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ये बापेश्वर महादेव प्रख्यात है, प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक श्री बापेश्वर महादेव है। करमसद में यहाँ पहले गोचर था, प्राचीन काल कुछ नहीं था, यहाँ पर गोचर था, गायें चरने आया करती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर गोचर में गाय का दूध अपने आप निकल जाता था बापेश्वर महादेव के यहाँ। पहले गोचर था, कुछ था नहीं पहले, तो गायें चरने आवे आसपास से, पेटलाद खम्बात इधर सभी जगह से, तो गाय का दूध अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता था। तो गाय के मालिक को मालूम पड़ा कि गाय का दूध कैसे, यहाँ कौन निकाल लेता है मेरी गाय का दूध। तो जो गाय का मालिक था वो एक दिन गाय के पीछे पीछे आया, यहाँ आया तो जंगल में, यहाँ तो जंगल था, तो यहाँ पर दूध का अपने आप दूध निकला गाय के अंदर से। फिर उसने देखा कि गाय का दूध निकला यहाँ पर। फिर उसने प्रचार कहा आजू बाजू के लोगों से, गामड़ों में जा कर के, गाँव पहले तो गामड़े थे ना, इतना बड़ा वो था नहीं, गांव में आकर के उन्होंने बोला कि दूध का गाय वहाँ पर निकल जाता है दूध गाय का। तो वहाँ पर जब फिर खोदना शुरू किया यहाँ पर क्यों निकलता है, क्या है, शिवाल है, तो वहाँ पर अंदर से शिवलिंग निकला, खोदा 10-15 फुट नीचे खोदा, उसका शिवलिंग निकला। और शिवलिंग का भी कोई इतना था नहीं था कि इतना बड़ा शिवलिंग था वो नीचे तक, वो शिवलिंग का उसका छोर था ही नहीं। ये बापेश्वर महादेव, अभी इसका नाम बापेश्वर महादेव है। तो बाद में वो खोद काम किया, फिर मंदिर का थोड़ा बनाया आगे, थोड़ा छोटा मंदिर बनाया क्या, बाद यहाँ पर सब पूजा करने लगे बापेश्वर महादेव की। अब इतना प्रख्यात हुआ कि इसका जीर्णोद्धार बापेश्वर महादेव का जयराम गिरि जी, गुरु रघुनाथ गिरि जी ने किया इसका। इस बापेश्वर महादेव के अंदर राधा कृष्ण है, अम्बा जी हैं, गायत्री माता हैं, संतोषी माता का भी मंदिर है, सरस्वती माता का है, लक्ष्मी माता का है, सोमनाथ महादेव भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूजा कर रहे हैं सोमनाथ की, उसका वो सीन दिया गया है, बनाया हुआ है यहाँ। और एक और विचित्र बात है कि एकादश रुद्रों की मूर्ति यहाँ पर है, एकादश रुद्रों की मूर्ति कोई जगह नहीं है अभी किसी भी जगह पर, भारत में भी कोई, भारत में नहीं है। पहले सिद्धपुर में रुद्रमाल था, पहले वहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर तोड़ दिया गया था, वहाँ वो रुद्रों की, एकादश रुद्रों की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। वो वेदों में से, शास्त्रों में से लेकर के उसके चित्रों पर, पहले चित्र बनाए और उसके ऊपर से एकादश रुद्रों की मूर्ति बापेश्वर महादेव के चारों तरफ लगाई गई हैं। ये एकादश रुद्र हैं क्या, पर यहाँ पर नवग्रहों की भी मूर्ति हैं। और ये बापेश्वर महादेव का के जो भी कोई मान्यता रखता है उसकी मान्यता पूरी होती है। विदेश जाना हो, किसी को नौकरी नहीं मिलती हो, किसी के पुत्र ना हो, किसी की शादी नहीं हुई हो, क्या उसी सभी की इच्छाओं की पूर्ति बापेश्वर महादेव करते हैं। ये बापेश्वर महादेव करीब 500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। ये बापेश्वर महादेव यहाँ पर भगत लोग सुबह में आते हैं, वो 3 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, 4:30 बजे यहाँ पर आरती होती है, उसके बाद
ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक होता है और यहाँ से बापेश्वर महादेव से शमशान है, मुक्तिधाम है, वहाँ गौशाला है, वहाँ पर 30-40 आदमी काम करते हैं और 60-70 गायें हैं। और इस बापेश्वर के महादेव की एक संस्था हरिद्वार में भी आई है जो कनखल में बापेश्वर धाम से प्रख्यात है। आ महादेव में हमारा वडिलो 12 बरी जा रहे महादेव में एक पेटलाद ना वाणियाना दीकरा है, सामान्य एक डेरी बनाई इन्होनी अने एनी अंदर थी स्वयंभू तेम के प्रकट करी अने महादेवनी स्थापना थी। आ महादेव में खरा भाव थी जे कोई माणस सेवा करे, इवन पुजारी होय, आम जनता होय, महादेवना ट्रस्टीओ होय, तो जो सेवा करे छे इतले आ जरूर अहीं आगळी फर आपे छे। आ अमारी संतोनी भूमि अने महापुरुषोनी आ भूमि छे। अहींथी 8 महापुरुषो थया अने 12 संतो थया। आ जग्यानो स्वयंभूत ए प्रमाणेनुं छे। अहीं आगळी કોઈપણ નેતા ખરા દિલથી જે આવ્યા હોય તો પહેલાં એટલે 20મી મે ગુજરીલાલ નંદા હોમ મિનિસ્ટર હતા, એ પહેલાં અહીં આગળ દર્શન કરવા માટે સ્વયંભૂત સરદાર સાહેબનું ઘર જોવા આવ્યા હતા એટલે અમારા વડીલો કહેવા માંડ્યા કે અહીં જરા આપણે આપ દર્શન કરો। ચમત્કાર એવો થયો કે 7 દિવસની અંદર અહીંથી એવો ભાસ મળે કે સાહેબ તમે વડાપ્રધાન થશો અને એની અંદરથી 21મી મે આવ્યા હતા અને 27મી રાત્રે એવા કાર્યકારી વડાપ્રધાન બેઠા ગુજરીલાલ નંદા, પંડિત જવાહરલાલ નહેરુનું અવસાન થયું। ત્યાર પછી 11/1/1966 દિવસે લાલબહાદુર શાસ્ત્રીનું અવસાન થયું એટલે ફરી પાછા ગુજરીલાલ નંદા કાર્યકારી વડાપ્રધાન બેઠા। એક આ મહાદેવજીનું એ છે, એ પહેલા વડાપ્રધાન। બીજા વડાપ્રધાન મોરારજીભાઈ દેસાઈ 77માં આવ્યા અને 77માં અહીંયા અમારે ચુનાવ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો અને શરૂ કર્યો એટલે કહે છે જેલમાંથી આવ્યા, તિહાર જેલમાંથી આવ્યા ત્યારે કહે છે કે મારે અંબાજીમાં દર્શન કરવા છે, અંબાજીથી ડાયરેક્ટ કરમસદને, કરમસદથી આણંદ જાહેર સભા કરી અને મારે બધા ગુજરાતની પબ્લિકને મળવું છે। તો એ ટાઈમમાં જે અમારા અહીં સંત હતા એમણે બી આશીર્વાદ આપ્યા હતા। 19મી માર્ચ 77ના દિવસે મુખ્ય મોરારજી દેસાઈએ વડાપ્રધાનના શપથ એમ કે એ કર્યા, એ બી જુઓ કે 20 દાડાનો ડિફરન્ટ એમ। ત્રીજા વડાપ્રધાન વીપી સિંહ એ બી આવ્યા તો એ 6 મહિનાની અંદર વડાપ્રધાન બેઠા। એ પહેલો ચૌધરી ચંદ્રશેખર એ બી આવ્યા તો એ બી વડાપ્રધાન બેઠા। એવી રીતનું અટલ બિહારી વાજપેયી સંતરામ મંદિરમાં અને આ બધાના પ્રોગ્રામમાં હતા તો એ બી વડાપ્રધાન થયા। નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બેઠતા પહેલો અહીં આગળ આરએસએસનો અમારે કેમ્પ હતો અને એ ટાઈમની અંદર એ અહીં પ્રોગ્રામ રહ્યો હતા કે આપણે જગદીશભાઈ દિવાળીના દિવસે અહીં આપણે પેલું એ કરવું છે, અભિષેક કરવો છે, એમને ભાથીજી મંદિરમાંથી હું ને યોગેશભાઈ ભાથીજી મંદિરેથી લાઈન અહીં દર્શન કરાયો અને પછી વિઠ્ઠલ ગોરે કહ્યું કે આ કોઈ મહાસંત થશે અથવા તો કોઈ ઊંચી ગાદી ઉપર બેસશે। ત્યાર પછી વિધિના 2.5 મહિના પછી એમણે હરિયાણા પ્રદેશનો મહામંત્રીનો હોદ્દો એમણે નરેન્દ્રભાઈએ મળ્યો એટલે ત્યાંથી એમને ચડતી થઈ। મુખ્યમંત્રી બેઠા તારે નક્કી કર્યું હતું કે અહીં મહાદેવમાં પણ હું દર્શન કરીશ અને સંતરામ મંદિરમાં આવીને સરદાર સાહેબને ઘેર મુલાકાત કરીશ એટલે 2002 ઓગસ્ટ મહિનામાં મુખ્યમંત્રીનો તાજ એમ કે એ કર્યો અને 1 મહિના પછી નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ અહીં આગળ આવી અને એ કર્યું તો તમે વિચાર કરો કે બરાબર 14મા વર્ષે એ પણ પીએમ થઈ ગયા। મારું નામ રશ્મિકાંત પટેલ હે। મેં બચપન સે ઇધર દાદા કે દર્શન કે લીએ આતા હું, બહુ સાલ હો ગયે, અભી મેરી 65 સાલ ઉમર હો ગઈ હૈ, કરીબન 5 સાલ કા હું થા બાલ મંદિર મેં જાઉં જાતા થા, તબ સે ઇધર
दर्शन करने के लिए आता हूँ।